तेज आंधी तूफान ने अनाथ बालिकाओं को उड़ाया आशियाना। अनाथ बालिकाओं की मदद के लिए पहुंचे मौके पर धर्मपुर थाना प्रभारी। अपने ही सामने अनाथ बेसहारा लड़कियों का दोबारा बनवाया आशियाना। देश के महानगरों के बाद अब छोटे शहरों में भी ताऊते तूफान का कहर चरम सीमा पर पहुंच गया है। पन्ना में आज आंधी तूफान के साथ तेज झमाझम बारिश हुई, जिसमें शहर सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचा दी है। कई सड़कों पर बड़े बड़े वृक्ष धाराशाही हो गए, कई गरीबों की आशियानी आंधी अपने साथ उड़ा ले गई। ऐसा ही मामला अजगढ़ क्षेत्र के धर्मपुर थाना का आया है, जहां पर अनाथ बेसहारा लड़कियों का आशियाना आंधी अपने साथ उड़ा ले गई थी। जैसे ही सूचना धर्मपुर थाना प्रभारी सुधीर बेगू को लगी, तत्काल अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल ही अनाथ लड़कियों का आशियाना दोबारा तैयार करवाया है। साथ ही खाद्यान्न सामग्री भी वितरित की। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए अजगढ़ से अनिल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम पूनम पांडे है। आज क्या हो गया था बेटा? सर, वो बहुत तूफान आने के कारण तीन दिन सब उड़ गई थी और जा करके वहाँ दूर खेत में गई थी, तो हमने थाना प्रभारी सुधीर बेगी सर को इन्फॉर्मेशन दी, तो वो आए और आने के बाद उन्होंने सब काम करवाया और हमारा सब खाने का राशन वाशन भी सर सब खराब हो गया है। तो सुधीर बेगी सर जो हैं, तो वो 15 दिन की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे और आगे की व्यवस्था करें।